हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टोल। सो हम बात कर रहे थे स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की। सर, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पढ़ते पढ़ते अब तक हम लोगों ने दो चीज़ों को पढ़ा है। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने जो पढ़ी वो हमने पढ़ी कि एनर्जी पे डिपेंड करना चाहिए था, पर हमने देखा कि नहीं, सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इवन देर आर सम एंडोथर्मिक रिएक्शंस विच आर स्पॉन्टेनियस। तो सिर्फ एनर्जी कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर सेइंग दैट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। तो हमने सेकंड ऑप्शन पे गए। सेकंड ऑप्शन जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमने पढ़ा एंट्रोपी। एंट्रोपी अब तक हमने ये नहीं समझा है कि एंट्रोपी पे कैसे रिएक्शन डिपेंड करेगा, पर हम लोगों ने ये जरूर देखा कि लोगों ने कहा जिस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो हमने देखा कि यार देयर आर मेनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जहां पे एंट्रोपी कम होती है, जहां एंट्रोपी डिक्रीज होती है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो सिर्फ एंट्रोपी कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया। और हम लोगों ने यहां पे एंट्रोपी का फॉर्मूला देखा, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी विल बी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इसको हमने मैथमेटिकली भी देखने की कोशिश की और हम लोग इसको क्वालिटेटिवली समझने की कोशिश करी कि डेल्टा एस होता क्या है। सर, क्वेश्चन पर अभी भी यही है कि स्पॉन्टेनिटी डिपेंड किस पे करेगी? अगर सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एंट्रोपी पे डिपेंड नहीं करती, तो किस पे डिपेंड करती है? व्हाट इज दैट जिसके ऊपर एंट्रोपी डिपेंड करती है, जिसको देख के मैं कह सकता हूं हां, या जिसके ऊपर स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करती है, जिसको देख के कह सकता हूं कि हां मेरा केमिकल स्पॉन्टेनियस है कि मेरा केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो सर, इसको समझने का एक एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और इसको मदद करने के लिए मेरे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स निकल के आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सर, आप कहोगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का और एंट्रोपी का क्या रिलेशन है? सर, तो मुझे बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था? सर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यह कहता था कि एनर्जी वहां से वहां जाएगी जहां हाई टेम्परेचर होगा और जहां लो टेम्परेचर होगा। यानी स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। हीट का अपने आप मूव करना, अपने आप चलना एक ही तरीके की डायरेक्शन में होता है, वो भी कहां से कहां पे? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। तो मैं अगर कहता हूं हाई टेम्परेचर पे कोई चीज है और अगर कोई चीज मेरी लो टेम्परेचर पे है, तो मेरी हीट कहां से कहां जाएगी? माई हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स लो टेम्परेचर। तो सर, इसका एंट्रोपी से क्या लेना देना? बुक्स में हमने पढ़ा है बहुत जगहों पे एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझने की कोशिश करते हैं। सर, सोचो आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास आपका अर्थ है, यू हैव गॉट योर अर्थ। हम बड़े मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करेंगे। और मानो आपके पास कहीं दूर यू हैव गॉट अ प्लूटो, प्लूटो एक प्लेनेट है हमारे पास। और लेट अस से कहीं पास में हमारे पास एक सन है, यू हैव गॉट अ सन। सर, प्लूटो का टेम्परेचर बहुत कम होता है, मान लेते हैं कि बहुत कम है, लेट अस से हम बोल देते हैं इट्स -2 डिग्री सेल्सियस। हम बोल देते हैं वो 2 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर, मुझे नहीं पता भाई रियली में उसका टेम्परेचर कितना है प्लूटो पे, मैं जाके नहीं आया, बट हाँ मैं रैंडमली ले रहा हूं कि 2 डिग्री। और मैं मान लेता हूं माई सन इज एट 5000 डिग्री सेल्सियस और मेरा अर्थ इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ सपोज करो अर्थ का एंट्रोपी बढ़ गया। सर, अर्थ का अगर एंट्रोपी बढ़ा है, इसका मतलब उसने कहीं से तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, और अगर कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तभी तो फैला होगा, तो एनर्जी कहीं से तो आई होगी। तो इसमें एनर्जी कहीं से तो आई, मुझे नहीं पता अर्थ में कहां से एनर्जी आई, पर उससे इसका एंट्रोपी यानी डेल्टा एस क्या हो गया? बढ़ गया। नाउ सर, याद रखना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि अगर कहीं पे एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है या रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं लेना देना, पर यूनिवर्स का एंट्रोपी कम नहीं होना चाहिए। सर, मैं, आप, धरती, सन, प्लूटो, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट केमिकल सब यूनिवर्स का हिस्सा है। और सर, हमारा जो यूनिवर्स है वो फैल रहा है। The entropy of universe is not decreasing, it's continuously increasing. अब मैं यहां गलत हो सकता हूं और मेरे फिजिक्स के कुछ दोस्त शायद बुरा मान सकते हैं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं या मैं कुछ रॉन्ग बोल रहा हूं, मेरा इंटरप्रिटेशन शायद गलत हो सकता है, पर मैं जो मैं फील करता हूं मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। सर, हम सबको पता है कि हमारी कायनात जो है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो कहीं ना कहीं बिग बैंग से स्टार्ट हुआ है। मान लो एक पॉइंट था जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, इट वॉज अ सिंगल पॉइंट जहां पे सब कुछ मास, एनर्जी, मैटर सब कुछ कंडेंस था, वो ब्लास्ट हुआ। और जब वो ब्लास्ट हुआ तो 3 डायमेंशन में हर जगह वो फैलने लगा, हर जगह, एवरीवेयर इट इज जस्ट एक्सपांडिंग। और आज तक वो फैल रहा है और फैलते ही जा रहा है, कहां रुकेगा पता नहीं, कहां जा रहा है पता नहीं, ऊपर नीचे आजू बाजू क्या है पता नहीं, पर यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी, जो मेरा प्रोडक्ट, मैं जो लिंक लगा सकता हूं
तो सर अगर एंट्रोपी यूनिवर्स का बढ़ता है, यूनिवर्स फैलने की कोशिश कर रहा है, और अगर किसी टेस्ट ट्यूब में आपने केमिकल रिएक्शन किया और अगर उस केमिकल रिएक्शन की वजह से यूनिवर्स का एंट्रोपी कम हो गया, आई विल किल यू मैन. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज गेटिंग डिक्रीज बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन ए टेस्ट ट्यूब. नो, नॉट अलाउड. इट्स नॉट अलाउड एट ऑल. तो सर आपका केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो, उसमें एंट्रोपी कम हो कि उसमें एंट्रोपी बढ़े, फर्क नहीं पड़ता. पर यूनिवर्स के एंट्रोपी पे असर नहीं पड़ना चाहिए, यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ते रहना चाहिए. मतलब सर अगर मेरा धरती फैला है और अगर धरती फैलने के बाद उसका एंट्रोपी बढ़ा है तो उसने कहीं से तो एनर्जी लिया होगा. अब दो ही ऑप्शन है, या तो एनर्जी सन से आया होगा या तो एनर्जी प्लूटो से आया होगा. चलो मान लेते हैं प्लूटो से एनर्जी आया. सर अगर प्लूटो से एनर्जी वो आया जिसकी वजह से धरती एक्सपांड हुआ तो उसका एंट्रोपी बढ़ा. अरे भाई प्लूटो पहले 2 डिग्री पे था, अगर उसमें से तुमने थोड़ा एनर्जी निकाल लिया उसका एंट्रोपी कम होगा, और एंट्रोपी बहुत ज्यादा कम होगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. उसका पहले से टेम्परेचर कम है, आप उसमें से और एनर्जी निकाल रहे हो तो उसका एंट्रोपी बहुत कम हो जाएगा. तो सर मैं कहूंगा अगर यहां से एनर्जी आया एंट्रोपी में यहां डिक्रीमेंट होगा और बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट होगा. सर अगर आप ओवरऑल एंट्रोपी में चेंज देखोगे, सर मैं सीधे तरीके से बताता हूं, मुझे 5 रुपए चाहिए था या मुझे 10 रुपए चाहिए था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे. या तो मैं एक ऐसे इंसान से ले लूं जिसके पास 5 करोड़ है, या तो मैं एक ऐसे इंसान से ले लूं जिसके पास सिर्फ 15 रुपए है. अगर मैंने 15 रुपए वाले से 10 रुपए ले लिए तो बेचारे के पास 5 ही बचेंगे. सर अगर मैंने 5 करोड़ वाले से 15 रुपए ले 10 रुपए ले भी लिए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसके पास 5 करोड़ हैं. सर सिमिलरली अगर मैं 2 डिग्री से थोड़ी सी भी एनर्जी निकाल के अपनी एंट्रोपी बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो इसकी एंट्रोपी पे बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत कम हो जाएगी, ओवरऑल एंट्रोपी विल डिक्रीज. पर अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं सन से अगर वो एनर्जी लेता तो सर सन पहले से 5 डिग्री 5000 पे था, पहले से बहुत हिला हुआ था. थोड़ी सी एनर्जी अगर निकाल के अर्थ को दे भी दिया मैं मानता हूं उसका एंट्रोपी कम होगा. अरे पर कितना होगा? 5000 में से आप थोड़ी सी एनर्जी निकाल रहे हो, थोड़ी सी, तो सर उसकी जो एंट्रोपी होगी वो बहुत ही कम डिक्रीज होगी. मैं मैथमेटिकली नहीं समझा रहा हूं चीजों को, मैं एक फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरीके से रिलेटेड है. तो सर मैं यूं कह सकता हूं, हाँ तो आप ही बताओ यार कहां से एनर्जी आनी चाहिए, प्लूटो से कि सन से? सर ऑब्वियस सी बात है सन से आनी चाहिए क्योंकि आप नेचर के रूल को नहीं तोड़ सकते. ओवरऑल एंट्रोपी शुड इंक्रीज, और अगर यहां एंट्रोपी कम हुई है तो थोड़ी सी एनर्जी निकली है, पर वो थोड़ी सी एनर्जी धरती पे जाके बहुत कुछ कर सकती है, एंट्रोपी बढ़ा सकती है. तो सर ओवरऑल एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा. इसका मतलब यहां से एनर्जी ने, एक मिनट, एनर्जी के पास 2 ऑप्शन थे जाने के, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे. पर एनर्जी गई किधर से किधर? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, एंड दैट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अच्छा चलो एक काम करते हैं सर, चीजों को घुमाते हैं, और चीजों को घुमाने के बाद सेकंड वे में लेके आते हैं. मान लो अब मेरी धरती कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और मेरे पास वापस से मेरा पुराना दोस्त प्लूटो है और लेट अस से 2 डिग्री सेल्सियस पे, और मेरा साथी सन है लेट अस से 5000 डिग्री सेल्सियस पे है. अब मेरा एंट्रोपी सन का अर्थ का कम हो गया. जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती तो एनर्जी रिलीज करेगी, राइट? सीधी बात है, अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एनर्जी रिलीज करेगी. अगर वो एनर्जी रिलीज करी है, अब एनर्जी बाहर आई है, बताओ ये एनर्जी प्लूटो के पास जाएगी कि एनर्जी सन के पास जाएगी? क्योंकि अब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ चुके हो तो आप क्या कहोगे? सर एनर्जी बाहर निकली है ना सर, तो एनर्जी अगर हाई टेम्परेचर से निकली है तो लो टेम्परेचर पे जाएगी ना सर, प्लूटो पे. बट वाई? एक्सप्लेन मी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी. सर बड़ा सिंपल है, अगर एंट्रोपी यहां कम हुई है, अब इस एनर्जी को ऐसी जगह पे जाना है, ऐसी जगह पे जाना, क्योंकि ऑलरेडी अर्थ की एंट्रोपी कम हुई है, तो इस एनर्जी को एक ऐसी जगह पे जाना है जहां ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ ए यूनिवर्स शुड इंक्रीज. तो कहां जाएगी? अगर ये एनर्जी सन में चली गई, सर 5 करोड़ वाले आदमी को आप 15 रुपए दे रहे हो या 10 रुपए दे रहे हो, थोड़ी ना उस पर फर्क पड़ने वाला है. सर अब जिसका 5000 डिग्री सेल्सियस है, आप उसमें थोड़ी सी एनर्जी अगर ऐड भी करोगे तो उसका जो एंट्रोपी बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी आई है, पर कितना बढ़ेगा? हल्का सा बढ़ेगा सर. पर अगर वही एनर्जी आप एक प्लूटो को दे रहे हो जो 2 डिग्री पे, सर एक गरीब को आप 15 रुपए दे रहे हो, सर बहुत फर्क पड़ता है उसके लिए, 15 रुपए उसकी तो दुनिया हिल जाएगी. सर सिमिलरली यहां है सर, आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो, अगर वो एनर्जी यहां जाए, सर यहां एंट्रोपी का डिक्रीमेंट होगा पर कम होगा,
सर इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, पर अगर वही एनर्जी प्लूटो में घुस जाए तो उसका एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि लो टेम्परेचर पे इतनी सारी एनर्जी आएगी तो पर डिग्री सेल्सियस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप समझा, आपको याद है मैंने कहा था किस तरह ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो सर अब मुझे बताओ एनर्जी कहां से कहां जाएगी? सर एंट्रोपी की भाषा में अगर मैं बात करूं तो एंट्रोपी की भाषा में एनर्जी अगर यहां से निकली है तो अरे सर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, सर ठीक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है, पर इससे कंक्लूजन क्या निकला? सर इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई आप अपने टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट ट्यूब में करो, आप बीकर में करो, आप फ्लास्क में करो, किधर भी करो, और आपके रिएक्शन में क्या हो रहा है मेरे को उससे भी लेना देना नहीं, लेकिन जो हो रहा है उससे यूनिवर्स का एंट्रोपी कम नहीं होना चाहिए। तो सर टोटल एंट्रोपी will be equal to entropy of system plus entropy of surrounding, और total entropy of universe should be greater than zero. अगर entropy कम हुई या negative हुई वो reaction नहीं होगा, कायनात या universe के rules या laws उसको allow ही नहीं कर सकते। आपकी test tube में होने वाले reaction से अगर universe contract होता है it's not allowed, नहीं होगा sir, not at all allowed। तो सर एंट्रोपी टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो है, हाँ अब मैं कहूंगा कि मेरा रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एंट्रोपी टोटल इज लेस देन जीरो, यानी मेरी एंट्रोपी नेगेटिव है, एंट्रोपी नेगेटिव है यानी कायनात कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड रही है, नॉट अलाउड, ऐसा रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी रिमेन्स जीरो, इक्वल टू जीरो, मैं कहूंगा मेरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, कुछ चेंज नहीं आया है, रिएक्शन में कुछ हुआ ही नहीं है, रिएक्शन वैसे का वैसा है। तो फाइनली ना एनर्जी पे डिपेंड करता है, ना एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टोटल एंट्रोपी पे। तो कहीं ना कहीं मेरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। पर I got a question. सर मैंने एक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में किया तो मैं क्या यूनिवर्स में जाके देखूंगा क्या कि उसका एंट्रोपी बढ़ा है कि घटा है? यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, तो हाउ विल आई कम टू नो कि वेदर द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हैज डिक्रीज और इंक्रीज, बिकॉज आई एम डूइंग माई रिएक्शन इन माई लेबोरेटरी ऑन टेबल नंबर 5 or 6। हाउ विल आई कम एंड गो एंड सी कि रिएक्शन बढ़ा है कि नहीं? मेरी टीचर ने कहा हीट करो, मैंने कर दिया, कुछ तो हुआ, अपने आप हो गया या बना? हाउ विल आई कम टू नो यूनिवर्स में क्या हुआ है? आई कांट गो एंड सर्च इन द यूनिवर्स बिकॉज आई एम इनसिग्निफिकेंट इन दिस यूनिवर्स। तो मेरे किसी कुछ करने से यूनिवर्स पे क्या असर पड़ा है? हाउ विल आई कम टू नो? सर यहीं पे अगला क्वेश्चन आता है और यहीं पे वो चीज आती है जिसके लिए मैंने ये थर्मोडायनामिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसको कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, विल स्टडी गिब्स फ्री एनर्जी।